फैक्ट्रियों, गाड़ियों और चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। सराइकी खत्ते में स्मोग ने लाल झंडी दिखा दी। मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी में स्मोग रेड जोन में शामिल। मुल्तान में ईंटों की तमाम भट्टे 20 दिसंबर तक बंद। डिप्टी कमिश्नर का अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। भट्टा एसोसिएशन ने हुकूमती अहकाम मानने से इनकार कर दिया। भट्टों को बंद करना जालिमाना फैसला, वापस लिया जाए। ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन का अदालत से रुजू करने का फैसला। सदर अमजद जगवार का कहना है कि भट्टों को बंद करना मौशी कत्ल है, हुकूमत ने भट्टे मालिकान को एतमाद में ही नहीं लिया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड 2 के इनक्यूबेटर खराब, 9 मौजूद बच्चों की अमवात का खदशा। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक इनक्यूबेटर्स फाल। अस्पताल इंतजामिया ने इनक्यूबेटर्स की खराबी का इतराफ कर लिया। डॉक्टर असलम की तमाम इनक्यूबेटर्स जल्द ठीक कराने की यकीन दहानी। रहीम यार खान में रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश, मौजी बंदूक से ताल्लुक रखने वाली खातून को अस्पताल मुंतकली करने की कॉल आई। शेख जैद अस्पताल में मुंतकली के दौरान ही खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। खातून और बच्चा दोनों सेहतमंद, अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में फीडर बस के दो रूट, 9 माबाद भी गैर फाल। बिहाड़ी चौक के बदला सुन्नत और चौक कमारा वाला से टाटेपुर रूट शुरू न किए जा सके। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी तौर पर इन रूट्स पर बसें चलाने की हिदायत। शहर औलिया को फूलों और पौधों से सजाने का फैसला। डीसी मुल्तान आमिर खट्टर का शजरकारी मुहिम के लिए पौधों की तैयारी का अहकाम। चेयरमैन पीएचए इजाज जंजुआ को टास्क सौंप दिया गया। सवाद के टमाटरों की बहावलपुर में एंट्री। टमाटर की कीमत में 15 रुपए फी किलो में कमी। ईरानी टमाटर 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सुख का सांस लिया। उधर भक्कर में टमाटर की कीमत मामूल पर ना आ सकी। टमाटर की फरोख्त फी किलो 240 रुपए में जारी। मुकर्रा करदा निरखों पर सब्जियों और फलों की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद और डीपीओ उस्मान एजाज का सब्जी मंडी लैया का दौरा, नीलामी और फरोख्त के अमल का भी जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुएब जैदून का भी गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। डायरेक्टर जनरल लेबर पंजाब का जीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म। जामपुर कुलाची रोड सड़क की सुनी गई। एमएनए जाफर लगारी और सूबाई वजीर अपाशी मोहसिन लगारी ने टफ टाइल मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 2 करोड़ लागत आएगी। मुतालिबात के हक में हड़ताल करना महंगा पड़ गया। मुल्तान अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुलाजमीन की शामत आ गई। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई का आगाज। 150 से जायद नामालूम मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनियन के अहदेदारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर रहीम यार खान में हड़ताल का 10वां रोज। एहतजाज के बाइस दफ्तर में ताले, जमीनों की खरीदो फरोख्त रुक गई। जमीनों के तमाम मामला कटाई में। कैदियों की रिहाई के लिए जमानत नामा का भी हसूल मुश्किल। साइलिन को मुश्किलात का सामना। मुश्तरका सनती मंसूबों को मिलेगी वसत। इस्लामिया यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के माबेन एमओयू साइन। वाइस चांसलर और सदर ने मुहिदे पर दस्तखत किए। डेरा गाजी खान के इलाके रुकनाबाद कॉलोनी में नकारा सीवरेज सिस्टम। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी जमा होने के बायस इलाका मकीन परेशान। बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। अलीपुर जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। जा बजा गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। बैठने के लिए मुसाफिर खाना और ना ही पीने का साफ पानी। रही सही कसर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात ने पूरी कर दी। मुसाफिरों को हुकामे बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा। एक साल बाद भी बहावलपुर मॉडल बाजार ऑपरेशनल ना हो सका। दुकानदार खुले आसमान तले रोजगार कमाने पर मजबूर। दुकानदारों का वजीर आला पंजाब से बाजार बहाल कराने का मुतालिबा। मैनेजर मॉडल बाजार मोहम्मद कासिम की बाजार को जल्द बहाल कराने की यकीन दहानी।
जर्नल पोस्ट ऑफिस मुल्तान से भारत की डाक दोबारा शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर खतूत और कागजात की सहूलत बहाल। शहरी अब मुल्तान शहर के तमाम डाकखानों के जरिए भारत खत भेज सकेंगे। पार्सल भेजने की इजाजत ताहाल ना मिल सकी। यूनिवर्सिटी में क्लासेस के औकात का अरकाम किए जाएं। क्लासेस की टाइमिंग शाम 5 बजे तक नामंजूर। डीजी खान ने मेयर जाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। क्वेटा रोड पर टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन का यूनिवर्सिटी टाइमिंग 8 से 1 बजे तक करने का मुतालबा। क्रशन सीजन शुरू ना हो सका, रहीमिया खान ने गन्ने के काश्तकारों का एहतजाज। हाई गन्ना के नारे। मुजाहिरीन का क्रशिंग सीजन शुरू करने का मुतालबा। महकमा पब्लिक हेल्थ की फुर्तियां, लाखों जिंदगियां दांव पर लग गईं। जामपुर के 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गंदगी और सीवेज के नालों के करीब लगाए दिए गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी से शहरियों में मुख्तलिफ अमराज के फैलने का खदशा। एफबीआर का पेंशनर्स के लिए अहम इकदाम। रिटायर और मुलाजमीन के दौरान फोत होने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को अब घर बैठे बिठाए पेंशन मिलेगी। एफबीआर का पेंशन अकाउंट में भेजने का फैसला। अकाउंट कार्ड बनवाने के लिए परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत की मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की मंजूरी। सूबाई वजीर खजाना की सबराही में कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। सरकारी मुलाजमीन को 2020 से 80% यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा। समरी वजीर आला को इरसाल। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए खुशखबरी। पंजाब भर में रुखसत इत्तफाकिया छुट्टी पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दौरान पंजाब पुलिस की इत्तफाकिया छुट्टी पर भी पाबंदी आय की गई थी। मुलाजमीन को अब वक्त की पाबंदी करना पड़ेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मियांवाली में बायोमेट्रिक हाजिरी का इजलास। बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर ही तनख्वाहें दी जाएंगी। कमिश्नर मुल्तान इफ्तखार अली सहू ने अतायत के खात्मे की ठान ली। अतायों के लिए बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। अतायों जाली और मुजरे सेहत अद्वियात की मौजूदगी पर क्लिनिक दुकान सरबहमर करने और अताई को गिरफ्तार करने की हिदायत। आरपीओ इमरान महमूद की डीपीओ ऑफिस बहावलपुर में महाना क्राइम मीटिंग। जिले भर के सर्कल अफसरान और एसएचओ की शिरकत। तमाम सर्कल्स और थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। थानों में नामुकम्मल चलान और रिकॉर्ड की तकमील को भी चेक किया गया। डीसी मुजफ्फरगढ़ की सरबराही में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान का इजलास। खातीन पार्क में सहूलियात के फुकदान पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर का खातीन पार्क की तजीनों आराइश का भी हुक्म। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में सफाई के निजाम को बेहतर करने की हिदायत। कोट अद्दू में वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी की खुली कचहरी। एमपीए अशरफ खान रिंद और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर के हमराह मसाइल सुने। डेपुटेशन पर मोटरवे पुलिस में आने वाले अफसरान वापस। पंजाब भर के तमाम रीजन के एसपी पेट्रोलिंग को मरासला जारी। बहावलपुर रीजन के भी 6 एएसआई की खदमात वापस पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गयी। यजमान ने अवामी मसाइल का होगा अजाला। पुलिस मोबाइल खदमत मरकज वैन सर्विस का आगाज कर दिया गया। पुलिस वैन हफ्ते में एक दिन यजमान के लिए मुकर्रर। खदमत वैन सर्विस में अवाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, करेक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग परमिट की सहूलियात मौजूद। डीपीओ बहावलपुर सरफराज खान की हिदायत पर सहूलियात देने का हुक्म जारी। घरेलू नाचाकी ने मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। नैया में शोहर को खुद को आग लगाकर मुबैना खुदकुशी की कोशिश। मुतासरा शख्स मोहम्मद शकील तश्वीशनाक हालत में डीएचपी उलैया से निश्चर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अलहदा घर के मुतालबे ने अपनी नींद सुला दिया। बहावल नगर में अलहदा घर का मुतालबा करने वाली हमला खातून और सुतेले बेटे को शोहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तियां के चौक फवारा में करियाना स्टोर पर चोरी की वारदात। चोर दुकान से ऑयल, चीनी और नकदी समेत लाखों रुपए की मालियत का सामान ले उड़े। मुख्तलिफ मकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम।
तमाम बैंकों में कैमरे ऑपरेशनल किए जाएं। एसएचओ सिटी के रोड पक्का। मेहर परवेज अख्तर की शहर के तमाम बैंक मैनेजर से मीटिंग। सीसीटीवी कैमरे लगाने और फॉल करने की हिदायत। पीर जहानिया मेला रोकने की दरखास्त पर समाप्त। मुल्तान बेंच का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को 7 रोज में फैसला करने का हुक्म। जमशेद दस्ती के भाई मुमताज दस्ती ने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर रखा था। मुल्तान के तारीखी दरवाजे गुजर गई हैं सदियां, मगर याद आज भी ताजा। बारीक ईंटों से बने कदीम हरम दरवाजे की हश्त पहलू खिड़कियां, दिलकश सतून और जाजिब नजर तामीर। हरम गेट से दाखिल होते ही शहर की तमाम तर रंगीनियां माजी की हसीन यादों को ताजा करती हैं। रहीम यार खान के किसानों के लिए खुशखबरी। महकमा ज़राअत किसानों को कुरानदाजी पर रियायती नरखों में ज़रई आलात फराहम करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलिम का एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ जायजा मीटिंग में फैसला। किसानों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू। 30 नवंबर तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। कौनसा बस्ती मुस्लिम आबाद का रिहायशी सलीम वतन पर कुर्बान। शहीद मोहम्मद सलीम लशारी की मुस्लिम आबाद में नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। एफसी के चाकुश बंदस्ते ने सलामी दी। कब्र पर फूल चढ़ाए। डीएसपी सादत अली चौहान, एफसी एहलकारों और आम शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब। जिले इंतजामिया के अफसरान और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आबिदा फरीद ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करवाई गई। कानेवाल पब्लिक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस और नातिया मुकाबले। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद, समाजी शख्सियात और तलबा की शिरकत। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मुस्तकबिल के मेमारों की बेहतरीन तरबियत का अनोखा तरीका। गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल रहीमिया खान में अच्छे कामों का बॉक्स नष्ट कर दिया गया। बच्चे अच्छे काम करने के बाद पर्ची में लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं। सनावा के इलाके कस्बा गुरमानी में मुनफरिद स्कूल। उस्तादा ने बच्चों को साइंस और रियाजी सिखाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ लिया। मुश्किल सवालात को सराइकी नज्मों में तब्दील करके याद कराया जाने लगा। 2012 में कायम होने वाले स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे जेरे तालीम। मालूम थिए जो पौधा एक नबताते इंदे दम दे नाल विस्दी सोनी कुल कहनाते ए ऑक्सीजन देंदे जंदे दिसदे हन समराते इंदे नाल माहौल सदा इंदे नाल हया। फेफड़ों के दायमी मरज सीपीओडी का आलमी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आगाही कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर्स और नर्सेस मौजूद। लोगों को मुहलिक मरज से बचाव के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। और जनूबी पंजाब समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन। आलमी यौम एतफाल के हवाले से दी एगलेट स्कूल भक्कर में तकरीब। मिस्टर अस्पताल मुल्तान में बच्चों की सेहत बारे बोर्ड। वाइस चांसलर, डॉक्टर्स, नर्सेज, तलबा और बच्चों की शिरकत। उधर मुल्तान पुलिस का बच्चों को आगाही लेक्चर। पुलिस की जिम्मेदारियों से बच्चों को रोशनास करवाया गया।